रुचि कुमार और गौनिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों से ही हम यहाँ के हालातों को समझना चाहेंगे। रुचि, में पहले आपके पास आऊंगी। कानपुर की तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ कानपुर नहीं, कानपुर से सटे हुए दूसरे जिले वो भी इसी तरह हाई अलर्ट मोड पर हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए लखनऊ की टीले वाली मस्जिद है, काफी बड़ी मस्जिद यहाँ लखनऊ की है। बड़ी तादाद में यहाँ पर नमाजी आ रहे हैं और इसके चारों तरफ आपको चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी दिखाई देगी। टीले वाली मस्जिद का गेट सामने है, उसमें फोर्स खड़ी है, पूरे चौराहे पे फोर्स है। तो इसी तरह से लखनऊ की करीब 500 मस्जिदें हैं जिनमें आज सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और पूरी कोशिश ये है, मौलानाओं से भी बातचीत हुई है कि आज की नमाज के बाद किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और सिर्फ लखनऊ की नहीं बात करें, पूरे यूपी में, कानपुर में हिंसा हुई, वहाँ तो सिक्योरिटी आप दिखाई रही हैं, कानपुर देहात है, उन्नाव है, फिर लखनऊ है, अयोध्या, मथुरा, काशी की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मेरठ है, अलीगढ़ है, संभल है, मुजफ्फरनगर है, साथ में जो नेपाल से सटे यूपी के जिले हैं जैसे बहराइच है, श्रावस्ती है, इधर पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, सिद्धार्थनगर है, इन सारे जिलों में भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि पिछले हफ्ते जिस तरह से कानपुर में हिंसा हुई और फिर बहुत सारे पोस्टर्स भी वायरल हुए आज के बंद की कॉल को लेकर, कुछ मौलानाओं के बयान भी आए, तो उसको लेकर पुलिस सतर्क है। कोशिश यही है, पुलिस के बहुत ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ड्रोन उड़ रहा था, इस तरह के ड्रोन लखनऊ के सारे जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर उड़ाए जा रहे हैं और वो जो फोटो है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। कल भी यहाँ पे पुलिस की गश्त हुई थी और ड्रोन के सहारे ये पता चला था कि कई छतों में पत्थर है, तो पुलिस ने वो पत्थर हटाए थे। तो आज भी इस तरह से निगरानी की जा रही है और कोशिश पूरी यह है कि जो जुमे की नमाज हो उसके बाद जो नमाजी हैं वो अपने घर चले जाएं, किसी तरह की कोई घटना, अप्रिय घटना ना हो। हमारे साथ गोनिका भी जुड़ी हुई है। गोनिका, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जो उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात देख रहे हैं, क्या उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर दिल्ली में भी पुलिस एहतियात बरत रही है? क्योंकि आप, मुझे लगता है शायद आप पुरानी दिल्ली के इलाके में, तो वहां पर आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल अमित, मैं जामा मस्जिद में मौजूद हूँ, जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नमाज अदा की जा चुकी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानपुर में जो हुआ उसके बाद एक मैसेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि पैगंबर मोहम्मद का जो अपमान हुआ उसके बाद तमाम लोग, आज जुम्मे के दिन भारत बंद का ऐलान किया गया था, लोग अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। बाकायदा एक धमकी भरा वो मैसेज था कि जो लोग दुकानें बंद नहीं रखेंगे वो फिर वो देख लें। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं जामा मस्जिद के इलाके में, तो यहाँ पर किसी भी तरीके के उस बंद का असर देखने को नहीं मिला है। तमाम जो लोग यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आए थे वो नमाज अदा कर चुके हैं और इस वक्त आपको दिखाया कि जामा मस्जिद इलाके के बाहर पुलिस तो पूरी तरह पुख्ता तैनात ही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी तरीके की ऐसी कोई लापरवाही पुलिस की तरफ से नहीं की जाएगी सुरक्षा में, ताकि किसी भी ऐसी चीज को न्योता दिया जा सके जिससे कि यहाँ पर स्थिति ऐसा पैदा हो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनके पास कल वायरल मैसेज आया था, पहले उन्होंने सोचा था कि दुकानें बंद रखेंगे, लेकिन उसके बाद ये संदेश आया कि कोई अपनी दुकानों को बंद नहीं रखेगा, दुकानें खुली रहेंगी। भाई साहब, आज कोई बंद बंद का ऐलान तो नहीं किया गया? सर, बंद बंद को लेकर कुछ कहा तो नहीं गया आज? नहीं, अभी कुछ प्रदर्शन, कोई कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों के पास ही मैसेज? चलिए गौनिका, बिल्कुल लगातार आप लोगों से बात कर रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।